दोस्तों, देवी माँ लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है, लेकिन इसी कारण से उनका एक नाम चंचला भी है। जब तक पर्याप्त कारण ना हो, तब तक देवी एक स्थान पर कभी नहीं ठहरती हैं और तुरंत ही घर छोड़कर चली जाती हैं। पुराणों में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी की कृपा हो जाती है, तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती। ऐसे में मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, जिससे खुश होकर वो व्यक्ति को माला माल बनाती हैं। लेकिन एक बात और खास है, विष्णु भगवान की प्रिय माँ लक्ष्मी जब घर में आने वाली होती हैं, तो उससे पहले ही इसके लिए संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ये संकेत क्या हैं? इन्हें पहचान कर आप देवी के आने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहले है दोस्तों, उल्लू का दिखना। माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। कहते हैं कि अगर आपको अक्सर अपने आसपास उल्लू दिखे, तो समझिए माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करने वाली हैं। जहाँ उल्लू होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर जाती हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो माँ लक्ष्मी का जाप शुरू कर दीजिए और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर वापस लौट जाएं। नंबर 2, बढ़ जाए हरियाली। अगर आपके आसपास हरियाली बढ़ जाए, तो समझिए आप पर लक्ष्मी माँ प्रसन्न हैं और जल्दी आपको अपनी शरण में लेने वाली हैं। दरअसल हरियाली जीवन में संपन्नता और बदलाव का प्रतीक है। ऐसे सकारात्मक माहौल में लक्ष्मी माँ जरूर आती हैं। नंबर 3 है दोस्तों, अगर कोई झाड़ू लगाता दिखे। आप सुबह सुबह उठकर बाहर निकलते हैं और इसी टाइम पर कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए रोज दिख रहा है, तो समझिए आप जल्दी अमीर बनने वाले हैं। झाड़ू और लक्ष्मी माता का सीधा संबंध है। झाड़ू हमारे घर को साफ रखती है और ऐसे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का निवास होता है, जहाँ साफ सफाई रहती है। नंबर 4 है दोस्तों, गन्ने की मौजूदगी। अगर आपके घर के आसपास गन्ने के खेत हैं, या सुबह सुबह लगातार कोई गन्ना बेचने के लिए निकल रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं, तो आपके दिन पलटने वाले हैं। गन्ने का रस सिद्धि विनायक पर अर्पण करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गन्ना दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो सके।